हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटर्स इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेटर्स इंडिया के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर 11। सो अब कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। तो आप सभी से मेरी पहले ही रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेंसिल हाथ में रख लें, जिससे कि आप लास्ट में इवेल्युएट कर पाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, सेकंड है एमएस धोनी, थर्ड है जडेजा, फोर्थ है वीरेंद्र सहवाग। तो सभी लोग ही जानते होंगे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है? अभी अभी मतलब रिसेंटली ये बना हुआ है, तो इसलिए न्यूज में है ये। तो एक और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तो हैदराबाद इज द राइट ऑप्शन। अगर ये पूछा जाए कि कैपिटल क्या है तेलंगाना की, और वैसे चीफ जस्टिस के पास आपके फर्स्ट ऑप्शन है इटेला राजेंद्रा, सेकंड है श्रीनिवास यादव, थर्ड है नरसिम्हन, फोर्थ है भास्कर नैयर राधाकृष्णन। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास भास्कर नैयर राधाकृष्णन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हु इज द सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। दूसरे जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है वर्ल्ड के वो कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास विश्वनाथन आनंद, सेकंड ऑप्शन है डिगो केस, थर्ड है निहाल सरीन एंड फोर्थ है हरि कृष्णा। तो राइट ऑप्शन है इसमें डिगो केस। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु से हैं, इनकी एज सिर्फ 12 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर, व्हाट इज आरडीपी। आरडीपी क्या है? आरडीपी जो है वो ऐप है जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और ये जो बेसिकली ये था हमारे रिपब्लिक डे के जो इवेंट्स थे उनको उनकी अपडेट लोगों तक पहुंचाने के लिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऐप लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, सेकंड ऑप्शन है ऐप लॉन्च फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट, थर्ड ऑप्शन है ऐप लॉन्च फॉर सिक्योरिटी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। शायद अब इजिली की कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऐप लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरडीपी। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आरडीपी का पर्पस क्या था, टू हाईलाइट द रिपब्लिक डे इवेंट्स, टू प्रोटेक्ट डिफेंस असेट्स, टू मेंटेन ट्रांसपोर्टेशन, और नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन टू हाईलाइट रिपब्लिक डे इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास डीआरडीओ, सेकंड है आरडीएफ, थर्ड है यूआईएसएम और फोर्थ है एवीएसएम। तो इसमें एक और क्वेश्चन, दूसरे वे से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरी टर्म लिखने की जगह सिर्फ एलआरएसएम लिखा जा सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिफाइड एलआरएसएम। तो ध्यान रखें, नेक्स्ट इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हु कमीशन द न्यू नवल एयरबेस INS कुहासा। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि पहले INS कुहासा क्या है, तो नवल एयरबेस है, और ये किसने लॉन्च किया है वो भी बनता है यहाँ से। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन सुनील लांबा, सेकंड ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, थर्ड ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो राइट ऑप्शन है हमारी सुनील लांबा, फर्स्ट ऑप्शन। और ये सुनील लांबा कौन है? हमारे चीफ नवल एडमिरल है ये हमारे इंडिया के। तो ये भी याद रखें कि चीफ नेवल एडमिरल कौन है इंडिया के? सुनील लांबा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हु इनॉग्रेटेड द डिफो ब्रिज। डिफो ब्रिज किसने इनॉग्रेट किया? डिफो ब्रिज पहले तो बन कहां पे रहा है? हरे क्या है? ये बन रहा है हमारा अरुणाचल में दिबांग डिस्ट्रिक्ट में, जो चाइना बॉर्डर के साथ लगता है। इसलिए जो डिफो ब्रिज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ब्रिज बहुत बनते रहते हैं, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना बॉर्डर पे है। तो चाइना बॉर्डर में एक पास में एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में आता है, उस पे ये बन रहा है। तो ये किसने इनॉग्रेट किया है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है सुनील लांबा, सेकंड ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, थर्ड ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो ये इनॉग्रेट किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ये भी याद रखें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी अभी। चलो अभी तो इलेक्शन हो सकता है चेंज हो जाए, ये पूछ लें कि बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे कौन थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, या हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही रहे कि बीजेपी दोबारा आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आजकल जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, डिफो ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ। डिफो ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास चीपू, सेकंड है बोगीबील और थर्ड है दीघा एंड फोर्थ है विक्रमशिला। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा चीपू, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चीपू रिवर पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, वेयर वॉज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज 2018-19 कमेंस। जो इंडिया म्यांमार के बीच में बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है इम्बेक्स,
वो जो उसका सेकंड एडिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ढाका कैंटोनमेंट, सेकंड ऑप्शन है बांग्लादेश मिलिट्री अकेडमी, थर्ड ऑप्शन है हली सिहार कैंटोनमेंट, फोर्थ ऑप्शन है चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन जो चंडीगढ़ के पास में है। तो राइट ऑप्शन है इसमें चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन। और एक चीज और याद रखें कि ये भी पूछा जा सकता है कि इम्बेक्स क्या है, तो इम्बेक्स इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, दोनों कंट्री के बीच में बायलेटरल है और आर्मी एक्सरसाइज। ये भी पूछा जा सकता है कि इम्बेक्स है के, तो फुल फॉर्म तो एक तो मैंने बता दिया आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि ये क्या आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की, तो ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखें। और ये हुई कहां पे, सेकंड एडिशन कहां पे हुआ इसका, चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन जो कि चंडीगढ़ के पास में है। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एक तो ये किसकी एक्सरसाइज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की, तो किसकी है आर्मी की, दूसरा इसकी फुल फॉर्म, और थर्ड जो है ये कहाँ, इसका सेकंड एडिशन कहाँ पे हुआ, चंडी मंदिर मिलिट्री रेलवे स्टेशन पे। व्हाई एमओयू साइंड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पंजाब नेशनल बैंक, एमओयू साइन हुआ इंडियन आर्मी और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में, वो क्यों हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिफेंस सैलरी पैकेज, सेकंड ऑप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विंग सोल्जर्स, थर्ड ऑप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विंग पेंशनर्स, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट है वो फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव। एक एमओयू साइन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन आर्मी के बीच में, तो इसके थ्रू क्या होगा, एक रक्षक प्लस स्कीम है वो, उसको वो इनको फ्री में मिलेगी, जो भी हमारे चाहे वो रिटायर्ड है या जो आर्मी में सर्विंग है सभी को रक्षक प्लस स्कीम फ्री मिलेगी। एक इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, और दूसरे जो हमारे लिए एसएमएस चार्जेस होंगे वो इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इनको लॉकर के चार्जेस कम देना पड़ेंगे। तो इस एमओयू के अंडर ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which country has its world most travel friendly passport? कौन सी कंट्री का जो वर्ल्ड का मोस्ट ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास यूएसए, सेकंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड है जापान, फोर्थ है चाइना। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है जापान, और इंडिया की पोजीशन एट प्रेजेंट जो है वो 79 है, पहले 81 थी, बाय 2 इंप्रूव हुई है ये दोनों, हमारे दो पोजीशन इंडिया ने इंप्रूव किया है इसमें, पहले 81 थी अब जो है 79 है, और जो वर्ल्ड में टॉप पोजीशन रिटेन कर पा रहा है वो इस टाइम जापान है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टेटेड अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF भी बोल सकते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया वुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाई 2030, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया वुड बिकम लार्जेस्ट आर्म फोर्स होल्डर बाई 2030, और थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 और 2, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया वुड बिकम लार्जेस्ट आईटी कंपनी होल्डर। तो इसमें हम राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इंडिया वुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाई 2030, इंडिया से ऊपर जो होंगे वो सिर्फ यूएस एंड चाइना होंगे। हमारा जो है सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाला मार्केट कौन मतलब बन जाएगा इंडिया 2030 तक, थर्ड पोजीशन, सॉरी सबसे ज्यादा नहीं लेकिन थर्ड पोजीशन पे होगा आफ्टर यूएसए एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, नेशनल वोटर्स डे इंडिया में कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अगस्त 14, सेकंड है जनवरी 25, थर्ड ऑप्शन है फरवरी 25, एंड फोर्थ ऑप्शन है मार्च 3। तो राइट ऑप्शन है इसमें जनवरी 25, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। Which Indian poet is awarded with Saraswati Samman 2017? कौन से इंडियन पोइट को सरस्वती सम्मान 2017 दिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सितांशु यशा चंद्रा, सेकंड ऑप्शन है कमला दास, थर्ड ऑप्शन है विक्रम सेठ, फोर्थ ऑप्शन है मिलिंद गधावी। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास सितांशु यशा चंद्रा, इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2017। ये कहां से है? गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन पोइट इज अवार्डेड विद वुमेन्स वॉइस अवार्ड, कौन से इंडियन पोइट को वुमेन वॉइस अवार्ड दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सेकंड ऑप्शन है सलील चौधरी, थर्ड ऑप्शन है कमला सूर्या, एंड फोर्थ ऑप्शन है रंजनी मुरली। तो ये यूएस बेस्ड पोइट है जो इंडियन है लेकिन अब यूएस में रह रही है, और ये राइट ऑप्शन है, इनका नाम है रंजनी मुरली, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इनको वुमेन्स वॉइस अवार्ड दिया गया है इस बार। वुमेन्स वॉइस अवार्ड किसे दिया गया है? ये यूएस में रहती है, इंडियन है लेकिन इनका नाम है रंजनी मुरली। हमारा Who won the Sir Garfield Sobers Trophy 2018? Sir Garfield Sobers Trophy 2018 किन्हें दी गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, सेकंड है जडेजा, थर्ड है वीरेंद्र सहवाग, फोर्थ है एमएस धोनी। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा विराट कोहली, विराट कोहली को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the first female wrestler to receive nomination in Lawrence World Comeback of the Year? लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर में फर्स्ट फीमेल रेसलर
जो नॉमिनेट की गई हैं वो कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है बबीता कुमारी, सेकंड ऑप्शन है साक्षी मलिक, थर्ड है कविता देवी, फोर्थ है विनेश फोगट। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपकी विनेश फोगट, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सपोर्ट मी, जो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ही कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।